तो आप सब, अभी अभी कुछ देर पहले एक सॉन्ग रिलीज हुआ है फिल्म डंकी का, निकले थे हम घर से। इस गाने में अपनी आवाज दी है सोनू निगम ने और इसके लिरिक्स जो है वो जावेद अख्तर के हैं। काफी दिनों बाद जावेद अख्तर ने कोई गाना लिखा है, गाना आज रिलीज किया गया है। गाना देखने के बाद मैं एक ही चीज कहूंगा यार, वो वाइब नहीं मिली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे स्टार्ट हुआ था गाना, जब हमको एक टीजर में छोटे से झलक देखने को मिली थी इस गाने की स्टार्टिंग में, जब इसका टीजर लॉन्च किया गया था तो सोचा था जब गाना पूरा प्रॉपर आएगा तो सुनने में बड़ी मजा आएगी, लेकिन इसकी जो लिरिक्स है उतने कैची, उतने इमोशनल, उतना टचिंग नहीं है जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उस तरीके का नहीं है बिल्कुल। देखो हम लोगों ने सुना था थ्री इडियट गाना, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, क्या वर्डिंग थी, क्या वॉइस थी शान की, कमाल की थी। उससे बिल्कुल जुदा है ये गाना, मतलब उस तरीके का बिल्कुल वाइब नहीं आता यार इस गाने में। मतलब मैं क्या बोलूं इस गाने के बारे में, जैसा कि टीजर का जो हाल हुआ, फिर सेकंड गाना भी उस तरीके से नहीं चला, अब थर्ड गाना भी जो आया है ना वो हाइप नहीं बना रहा है, जो हाइप चाहिए ना वो हाइप नहीं बन रही है यार। लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट बहुत जबरदस्त इससे रखा था कि सॉन्ग बहुत ही कमाल का होगा, लेकिन आपको बता दें इसका वीडियो नहीं रिलीज किया गया है, इसका ऑडियो ही रिलीज किया गया है। ये गाना शायद पूरी फिल्म में हमको बैकग्राउंड में सुनने को मिले। बहरहाल एक चीज होता है ना कि जब आपका स्टार्टिंग ही खराब हो जाए ना तो आपका हर चीज खराब होता ही चला जाता है। टीजर आया वो हाइप नहीं बना, वो क्रेज नहीं देखने को मिला जैसे कि शाहरुख खान की फिल्मों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सॉन्ग लुटपुट गया, उसका भी वही हाल था, वो भी आया लोगों को पसंद नहीं आया। अब ये गाना जो था ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोनू निगम की आवाज कमाल की होती है और उनसे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही जबरदस्त होगा। लेकिन जब ये सॉन्ग मैं सुना तो मतलब एक ही बार सुना, दोबारा वो दिल नहीं किया कि दोबारा वो सुनूं, वो फीलिंग ही नहीं आई। और इसकी वर्डिंग भी कोई उतनी जबरदस्त नहीं है जो टच करे। यहाँ पर मैंने बोला ना कि बहती हवा सा कर हर मैदान फतेह, जो गाना संजू का था वो अलग वाइब देता था, एक अलग धुन था उसके अंदर, एक अलग जुनून था, मतलब सुनने का अलग मजा था, तो उससे बिल्कुल मैच नहीं करता ये गाना यार। और मुझे तो लगता है कि यार टंकी की राहें बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो चीजें उसकी आ रही है निकल कर ना, टीजर या सॉन्ग कुछ भी, वो मजा नहीं आ रहा है। तो इससे एक्सपेक्टेशन जो थी ना वो और कम होते होते चली जा रही है, और कम होती चली जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को ट्रेलर आएगा सलार का, देखना वो भी दिलचस्प होने वाला है। वैसे गाना आपने सुना, आप मुझे कमेंट कर बताओ आपको कैसा लगा, मुझे यार तो थर्ड क्लास का लगा यार प्लीज।